हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशलिस्ट फेसबुक ट्विटर यूट्यूब जैसी जगहों पर आज कहां के तार कहां जोड़े गए, किसे लपेटा किसे समेटा, ये सब बताते हैं। बिहार के मंत्री मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व हुए अभूतपूर्व मजाक उड़ा। एड में फोटोन शब्द सुनकर भड़के सुशांत, फैन चलाया #BoycottBingo। शिवसेना के नेता को कराची स्वीट्स का नाम पसंद नहीं आया तो ये कांड कर दिया। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे निर्मा की धुन पर नाचते आदमी के वायरल वीडियो की कहानी। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड होता नजर आया #BoycottZomato। नहीं, जोमैटो की गलती नहीं थी, हरहा के साथ कपिला का नाश वाला मामला था, नहीं समझे, गेहूं के साथ घुन वाला वो वाला मामला था। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया कि फलाने चैनल पर नफरत फैलाने के कार्यक्रम आते हैं, चैनल कौन सा, वही गुलाटी मार रिपोर्टिंग वाला, उनमें आपका यानी जोमैटो का एड चलता है, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरा पैसा ऐसे कामों में लगे। जोमैटो और उसके मालिक को टैग भी किया गया। जोमैटो वालों ने कह दिया कि हम अपने कंटेंट के अलावा किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं करते, हम मामला देखेंगे। इसके बाद बायकॉट वाला ट्रेंड चला, लोगों ने कहा अब स्विगी के मजे होंगे, लोगों ने कहा ये रेगुलर कस्टमर है तो हमें यूज ही नहीं करना, इसके अलावा अनइंस्टॉल करते भी लोग नजर आए। 2000 रुपया भी खूब चला, नहीं न्यूज एंकर खुश ना हो, 2000 के नोट में स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से मनी नैनो जीपीएस चिप नहीं मिली है, ना ही 100 फीट नीचे रखी नोट की गड्डी से इनकम टैक्स को सैटेलाइट के द्वारा कोई मैसेज गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस बढ़े तो सरकार ने मास्क पर कड़ाई की है, 500 रुपये जो जुर्माना लगता था वो बढ़कर 2000 हो गया है, उसी पर ढेरों ट्वीट्स आए। यूट्यूबर शब्द भी चला, मिडडे की खबर से पता चला कि अक्षय कुमार ने कथित रूप से बिहार के राशिद सिद्दीकी नाम के यूट्यूबर पर 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। FF न्यूज पर आरोप है कि उसने फालतू में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अक्षय कुमार से जोड़ा। फर्जी के आरोप लगाए गए कि MS धोनी वाली फिल्म में काम मिलने से अक्षय नाराज थे, रिया को कनाडा जाने में हेल्प करने वाले थे और आदित्य ठाकरे से गुप्त मीटिंगें भी कर रहे थे। ये खबर भी आई कि 4 महीने में ये सब चलाकर यूट्यूबर ने लगभग 15 लाख रुपये कमा लिए। चलो किसी के 15 लाख तो आए, लेकिन 15 लाख की खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली क्योंकि 500 करोड़ का मानहानि वाला नोटिस चला गया। जनता कहती मिली कि अक्षय के बाद अब सलमान खान को भी यही करना चाहिए। लोगों ने कहा कि अक्षय ने ठीक किया, लोग सुशांत की मौत में फायदा उठाने के लिए अल्लम गल्लम किसी का भी नाम लगा रहे थे। मैं तो कहता हूँ जिस जिस इंसान का नाम बेकार में सुशांत की मौत में मीडिया ने घसीटा है उसे धर कर करोड़ों के केस ठोकने चाहिए कि हमारा नाम तो ले लिया, बदनाम कर दिया, साजिशों के आरोप लगाए, अब करो साबित, न कर पाओ तो भरो करोड़ों। अब बात आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की। बिहार में शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद वायरल हुए वीडियो, शिक्षा मंत्री के एक वीडियो में उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बात हुई तो वो ऐसा कहते मिले कि विकास की बात कीजिए, क्या इनकी बात करना। फिर एक वीडियो अपोजिशन वाले ले आए, उस पुराने वीडियो में सही से वो राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे थे। बातें चल रही थी कि ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया जिसका नाम एजुकेशन से ही जुड़े करप्शन के मामले में है। अब नेताजी ने यानी मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। नेताजी खुश हो सकते हैं कि 4 दिन की जिंदगी होती है और वो 3 दिन मंत्री रहे, लेकिन दुखी भी हो सकते हैं कि चांदनी भी 4 दिन तो टिकती ही है, उनकी तो मंत्री पद भी 3 दिन ही चला। मंत्री जी का इस्तीफा हुआ तो सोशल मीडिया ने मौज लेनी शुरू कर दी। किसी ने पूछा मेवालाल के इस्तीफे को नीतीश बाबू का मास्टर स्ट्रोक और जीरो टॉलरेंस बताकर ज्ञान बघारने वाले भाइयों, मेवालाल को मंत्री क्या तेजस्वी और ओवैसी ने बनाया था। किसी ने तेजस्वी यादव की ही तारीफ कर दी कि महागठबंधन टीम के तेज गेंदबाज नेता प्रतिपक्ष जी का शानदार गेंदबाजी, आक्रामक भ्रष्टाचारी बल्लेबाज मेवालाल शून्य पर आउट, ऐसी बातें लिखी गई। लिखा यह भी गया कि मेवालाल को मेवा नहीं मिला। जेन्युइन सवाल भी उठे कि क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था कि मेवालाल चौधरी पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों की क्या स्थिति है, फिर भी उन्हें शिक्षा मंत्री बनाकर बिहार के छात्र, नौजवानों, शिक्षकों और आम जनता को क्या संदेश देना चाहते थे। अपने ही ट्वीट के आधार पर छपी खबर का स्क्रीनशॉट लगाकर उस स्क्रीनशॉट पर कही गई बात के अखबार में छपने पर अखबार की कटिंग ट्वीट करने के लिए मशहूर, सांस भराई, बिहार के नेता सुशील मोदी जी, उनकी भी मौज ली गई। चुनावों में चले चाचा भतीजे वाले चर्चित बयानों को आधार बनाया गया, ट्वीट लिखे गए, कहा गया कि सुशील कक्का को नौकरी मिली ही नहीं, मेवालाल को देकर छीन ली गई, बस एक चाचा ही हैं जिन्हें जबरन नौकरी दी गई है। टीम बाण के संस्थापक और गुरुजी के नाम से मशहूर ट्रोल प्रमुख रोफल गांधी ने मजे लेते हुए राष्ट्रगान का वो हिस्सा लिखा जो वायरल वीडियो में मेवालाल जी के मुँह से सुना गया था। जनता ने पलट कर कहा कि बिहार की एजुकेशन को सुधारने का लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए थे, उन्हें क्या पता था कि मंत्री के तौर पर कार्यकाल इतना
शॉर्ट टर्म होगा। बधाई के लिए जो गुलदस्ते आए थे उनके फूल मुरझाने के पहले ही कार्यकाल खत्म हो गया। कुल जमा इतनी जल्दी मंत्री पद मिलने, बवाल होने और मंत्री पद जाने पर मेवालाल चौधरी जी का भरपूर मजाक उड़ गया। ट्विटर पर चला एक और ट्रेंड जिसे देख समझकर आपका मन भी ओ भाई मारो मारो मुझे मारो ये कहने को कर पड़ेगा। ट्रेंड चला हैशटैग बायकॉट बिंगो। चलाने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। इनका मामला जोमैटो जैसा नहीं था, थोड़ा अलग था। लगभग हफ्ते भर पहले, 6 दिन पहले बिंगो वाले एक ऐड लाए थे। उस ऐड में रणवीर सिंह थे। तो मैड एंगल के इस ऐड में कहानी बताई गई थी कि कॉलेज से निकले एक युवा से रिश्तेदार आगे क्या प्लान है सरीखे सवाल पूछते हैं। खिसिया कर वो ढेर सारे कीवर्ड्स से युक्त एक लंबा वाक्य कहता है, बेसिकली जिबरिश जैसा होता है जिसमें भारी भरकम शब्द होते हैं और सुन के रिश्तेदारों को सांप सूंघ जाता है। अब इस जिबरिश में भी सुशांत के फैंस ने सेंस खोज लिया है। पैराडॉक्सिकल फोटोन ऑफ अतरंगी एल्गोरिदम को E=MC² में लगाकर इंटरस्टेलर मित्रमंडल कॉन्फ्रेंस के एलियंस की फीलिंग से मैच करने का प्लान है। कायदे से इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फैंस ने कहा नहीं। उन्होंने शब्द पकड़ा फोटोन, और ये शब्द मिलता है सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर के बायो में जहां लिखा था फोटोन इन डबल स्लिट। कहा गया कि जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया गया है। फैंस का ये भी कहना था कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का साइंस प्रेम जग जाहिर है इसलिए उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। इस बारे में बातें हुई कि बिंगो ने अपने वीडियो में लाइक डिसलाइक और कमेंट का ऑप्शन बंद क्यों कर रखा है। लोगों ने कहा कि सुशांत के अलावा तुमने किसे साइंस को डिस्कस करते सुना है, तुम लोगों ने उन्हें मॉक करने का कोई बहाना नहीं छोड़ा, कम से कम उनकी आत्मा को थोड़ा तो सम्मान दो। किसी ने कहा कि तुम लोगों ने इनडायरेक्टली सुशांत को पॉइंट आउट किया है, वीडियो हटा दो। किसी ने कहा कि अचानक डंब एड राइटर्स को नया टर्म फोटोन क्यों सूझ गया। एक यूजर ने कहा कि पैराडॉक्सिकल फोटॉन्स E=MC² या एलियंस की फीलिंग्स, इन शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, तुम लोग ऐसे आदमी को टारगेट क्यों कर रहे हो जो अपनी बात रखने के लिए भी नहीं है। एक बंदे ने तो बाकायदा वीडियो बनाकर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिंदा रहते हुए जो शब्द इस्तेमाल किए वही शब्द फोटोन पैराडॉक्सिकली E=MC² एड में क्यों बोले गए। बिंगो ने तो अपने तई कुछ नहीं कहा है, बाकी मुझे तो ये जाती लगती है। और लोगों का ये कहना है कि फोटोन या E=MC² का जिक्र सुशांत का रेफरेंस देना है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब सीरियसली एक सेकेंड रुक के सोच तो लीजिए, आपने सुशांत के किसी इंटरव्यू में E=MC² ये सुन लिया या एलियंस सुन लिया, तो क्या उसके पहले ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, या उनके पहले या उनके बाद कोई इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अब ये तो अति है। मामला सीधा सा है, आप एक दिन घर से हार्डवेयर की दुकान तलाशने के लिए निकलिए, आपको कोई काम पड़ गया हार्डवेयर वाला, तो उस दिन आपको बाजार में हर ओर हार्डवेयर से जुड़ी चीज़ें दिखेंगी। फिर किसी दिन आप ये करिए कि मिठाई लेने निकलिए, आपकी नज़र जहाँ जाएगी वहाँ मिठाई की वैरायटी दिखेंगी। सेम ऐसे ही एक आध शब्द इस ऐड में आ गए और जनता ने इसे सुशांत का अपमान ही बता दिया। कुछ भी। फेसबुक पर वायरल है शिवसेना के एक नेता का वीडियो। सॉरी, फेसबुक बायो के अनुसार सोशल वर्कर और राजनीतिज्ञ नितिन नंदगांवकर नाम है इनका। पिछले भी कई वीडियो जो वायरल हुए हैं इनके, जब सड़कों पर ये गुंडई करते हुए नजर आए थे। अब इन्हें दिक्कत हो गई है मिठाई की एक दुकान के नाम से। आदमी जीवन में कड़वाहट ज्यादा पाल ले तो मिठास कहाँ ही बर्दाश्त कर पाता है। बांद्रा में कराची स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान पर पहुंचे और भारतीय हो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं वहां की कराची का नाम नहीं चलेगा टाइप बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में देशभक्त प्लस सेक्युलर वाला छौंक भी लगाया, कहा कि आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मुंबई में कराची नाम मत रखो, कराची मतलब आप पाकिस्तान के ही हो। दुकानदार ने बताया कि हमारे परदादा कराची से थे, तो ज्ञान आया कि जो था सो था, अब बंटवारा हो गया है। इसके बाद दिखा कि दुकान का नाम दुकानदार ने ढक दिया, भाई उनको तो अपना काम चलाना है। फिर तो जो जनता ने शिवसेना को धोया, कहा ये हैं इनकी वो पुलिस है जिसको मीम डालने से फुर्सत नहीं है, वो कहाँ है अब। ये भी मौज ली गई कि उद्धव ठाकरे तो वर्ल्ड के बेस्ट CM घोषित किए जाते हैं, अब कहा गया उनका लॉ एंड ऑर्डर। कालांतर में बचाव में आया शिवसेना के पर्सनल अघोषित मिर्जा गालिब। संजय राउत का ट्वीट, लिखा तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। अरे हर टाइम शेयर नहीं लिखते, ये साल भर पुराने ट्वीट है, नया ट्वीट दिखाओ। हाँ, तो नए ट्वीट में बताते दिखे कि कराची बेकरी और कराची स्वीट्स मुंबई में 60 साल से हैं, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम बदलने का कोई तुक नहीं है, ऐसे नाम बदलने की डिमांड शिवसेना का जो है वो आधिकारिक फैसला नहीं है। इस पर जनता बोली अच्छा, और वो नेता उसको भी बता दीजिए आपका है या नहीं, माने आपकी पार्टी का नेता जाकर दुकानों में लोगों को धमकाए नाम बदलवाए और आप इतना कहकर पल्ला झाड़ लीजिए, बढ़िया है। बाकी नाम बदलने वालों का क्या, किसी दिन ये पहुंचेंगे बोले नहीं
जर्मन शेफर्ड नाम नहीं चलेगा, कुत्तों का नाम बदल कर कुछ इंडियन शेफर्ड जैसा रखो, या किसी दिन कहेंगे रीवा में शिमला मिर्च नहीं बिक सकती, इसका नाम कुछ सिरमौर चौराहा मिर्च रखो। सब नेताओं को चाहिए कि रेखता से शेर टीपने में जितना टाइम लगाते हैं उतना अपने ये सोशल वर्कर और राजनीतिज्ञ टाइप नेताओं को कस कर रखने में लगाएं, भावनाओं में ये बहुत बह जाते हैं आजकल। बाकी हमारी नजर सोशल मीडिया पर वायरल उस फोटो पर भी गई जिसमें केबीसी जीतने वाली आईपीएस अफसर को मैगी में मसाले के 2 पैकेट मिले। माने क्या ही कमाल की किस्मत, अगर किस्मत जैसा कुछ होता है तो इनकी रही होगी। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप देखना। अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे मतलब हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको कोई जहां पड़ता वीडियो, कोई अकाउंट, हैंडल, चैनल या तस्वीर दिखाते हैं, बताते हैं हमको अच्छा लगा भाई आप भी देखिए। आज का पिक ऑफ द डे देखकर मुझे इंदौर की याद आ गई। हम राजेंद्र नगर में रहते हैं और खूब शादियां वहां होती थी, और आप यकीन नहीं करोगे वहां तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय जैसे विज्ञापनों की लाइन पर बकायदा बारात में बाराती नाचा करते थे और बकायदा बैंड बजता था। वहीं हमने पहली बार वॉशिंग पाउडर निर्मा की धुन पर नाचते लोग देखे हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो सिम्बा के गाने तक जाती है, जहां आपको आंख मारे वाले गाने के बीच वो निर्मा की थोड़ी सी धुन सुनाई देती है या आभास होता है कि वो बज रही है। माने पूरा ललित निबंध लिखा जा सकता है विज्ञापनों पर नाचने पर। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, सरदार जी वॉशिंग पाउडर निर्मा पर झूमे जा रहे हैं। सब कह रहे हैं पंजाबी किसी भी धुन पर नाच सकते हैं, बात यह है कि हिंदुस्तानी किसी भी धुन पर नाच सकते हैं, जनरेटर के चलने पर भी नाच सकते हैं, बस खुश हों। बाकी आज के शो में इतना ही। साबुन पर नाचिए या निर्मा पर, प्रसन्न रहिए, ललन टॉप देखते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब का फर्ज निभाते चलिए। कल फिर मिलेंगे, टाटा। कल छुट्टी नहीं है भाई राशिद।